शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से, जहां पर कश्मीरी पंडितों पर हमले और हत्या को लेकर लोगों का सब्र का बांध टूटने लगा है। जम्मू में कश्मीरी पंडित सड़क पर उतर आए हैं। इनकी मांग ये है कि सरकार इन्हें सुरक्षा दे और घाटी में तैनात सरकारी कर्मचारियों की सुध ली जाए। पिछले दिनों श्रीनगर के पास सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई थी। उससे पहले श्रीनगर के स्कूल में घुसकर हिंदू शिक्षक को मार दिया गया था। हालांकि एक दिन पहले LG राहुल भट्ट के घर पहुंचे थे, लेकिन आक्रोश अभी भी कम नहीं हुआ है। लोग सड़कों पर उतरकर एक ही मांग कर रहे हैं कि सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो राहुल भट्ट की जो हत्या हुई, परिवार भी गम में था और मांग कर रहा था कि बार बार वापसी की बात हो रही है, लेकिन किस आधार पर वो वापस लौटे जब उन्हें सुरक्षा ही नहीं मिल रही है। उसी को लेकर लोग अब सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी भट्ट, प्रदर्शन तो दरअसल अब वहां आम सी बात हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सुरक्षा देने की मांग की जा रही है, कहा जा रहा है कि सेफ नहीं है वहां पर कश्मीरी पंडित, इसको लेकर जबरदस्त गुस्सा है वहां पर। सुनील, आपको मेरी आवाज? बिल्कुल नेहा, इस समय जम्मू में अगर आप देखें तो काफी उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं। कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फोरम द्वारा ये इस समय प्रदर्शन चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही में सरकार को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। जिस प्रकार से अभी हाइब्रिड टेररिज्म का जो ये नया खतरा पनप रहा है कश्मीर में, उसको लेकर सरकार को नई रणनीति अपनानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर लोगों का कहना है। हम यहाँ पर सीधा कुछ प्रदर्शनकारियों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके हिसाब से सरकार को अभी क्या करना चाहिए। जी आप बताइए, जिस प्रकार से लगातार कश्मीर में जो हत्याएं हो रही हैं, कल भी हमने देखा कि सैफुल्ला कादरी जो एक जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मी है, उनकी हत्या आतंकवादियों ने कर दी। आपको क्या लगता है सरकार को अभी क्या रणनीति अपनानी चाहिए? कश्मीर मरकजी सरकार को कश्मीर में जो सिक्योरिटी का ग्रिड है उसको मजबूत करना चाहिए। ये 100% सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, नहीं तो कहां से एक पुलिस कर्मी को मार दिया? अगर पुलिस कर्मी को ये मार रहे हैं तो ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि कश्मीरी पंडित वहां पे विदाउट सिक्योरिटी नौकरी कर पाएगा? सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की बहुत जरूरत है, और मैंने बहरहाल कहा कश्मीरी पंडित को एम्पावर करने की बहुत जरूरत है। जब तक कश्मीरी पंडित को एम्पावर नहीं करेंगे, ये छकरी जो है, ये जो प्रॉब्लम है, आप बताइए, एक तरफ पाकिस्तान का दिल जो है धड़क रहा है यासीन मलिक के लिए, और वहां पर कश्मीर में एक छोटी बच्ची को आतंकवादी गोली मारते हैं, उस पर पाकिस्तान का दिल 47 से धड़क रहा है। उस दिल धड़क से कुछ नहीं होगा, उनके बच्चे बच्चे तो हमारे बच्चे नहीं है जी। उनको शर्मसार होना चाहिए। कल जो बच्ची, जो 9 साल की बच्ची है, जिस पर आतंकवादियों ने जो हमला किया और उसको घायल किया और उसके जो फादर को मार दिया गया है, ये निंदनीय घटना है। इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा धक्का है। इससे कोई बोलेगा कि मैं ठीक है। हमारे साथ आपके पास लौटेंगे। जिस तरीके से वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है, जाहिर तौर पर लोगों में जमकर गुस्सा दिखाई दे रहा है।